हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिका स्टडी। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स, एक पैसिव कंपोनेंट के बारे में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए वाइडली यूज में आता है। उस कंपोनेंट का नाम है रेजिस्टर। रेजिस्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट विच इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर इज रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट। रेजिस्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट को हमने देखा था कि ऐसा कंपोनेंट जो सर्किट में सिग्नल्स हो या इलेक्ट्रिक करंट हो उसके वैल्यू को ना तो रेक्टिफाई कर सकता है ना ही एम्पलीफाई कर सकता है, ऐसे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट का एक टाइप्स रेजिस्टर है। हालांकि पैसिव कंपोनेंट के टाइप तो कैपेसिटर और इंडक्टर भी है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर से कुछ अलग होती है। रजिस्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने के लिए काम में आता है। कभी कभी हमारे सर्किट में करंट का डिमांड बहुत कम होती है, मिली एम्पियर में होती है या माइक्रो एम्पियर में होती है, उस समय यह रजिस्टर बहुत कारगर साबित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा ये जो रजिस्टर है पैसिव कंपोनेंट, ये वाइडली यूज्ड होने वाला पैसिव कंपोनेंट है। तो प्रॉपर्टी को ही, अब रजिस्टर है तो रजिस्टर की कुछ प्रॉपर्टी होगी। रजिस्टर की प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर बाय विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसका एक जो बेसिकली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध का एक प्रैक्टिकल मीनिंग आप देख सकते हैं कि जब आप सड़कों पर चलते हैं तो कुछ समय के बाद कुछ ब्रेकर्स लगे रहते हो। ब्रेकर्स का जो मेन यूज है वो ये है कि आपकी गति को अवरोध करना, क्योंकि जगह जगह पे आपकी गति का मान लिमिट होना चाहिए। आप गति से बियॉन्ड जाएंगे तो फिर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ब्रेकर्स लगे होते हैं। तो वही काम सर्किट में भी रजिस्टर का होता है। रजिस्टर जो है एक ब्रेकर की तरह होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेक करता है, अपोज करता है एज पर आवर यूटिलाइजेशन। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ओम यूनिट का यूज करते हैं। चूंकि जॉर्ज साइमन ओम ने रेजिस्टेंस की इस प्रॉपर्टी को बताया था, इसलिए उनके नाम से ही रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं, जिसका सिंबॉलिक डायग्राम ओम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजिस्टर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। रेजिस्टर इज क्लासिफाइड टू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड रेजिस्टर। कुछ ऐसे भी रजिस्टर्स होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है तो उसे फिक्स रजिस्टर्स कहते हैं। कुछ रजिस्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं तो उनको वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने वाला है, ये रजिस्टर का सिंबॉलिक डायग्राम है। ये सिंबल है जिसको हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, सिंबॉलिक डायग्राम। जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को इसी तरीके से जिगजैग के टर्म्स में ही डिनोट करते हैं। बट जो उसका पिक्चोरियल डायग्राम होता है, जो रियल डायग्राम होता है, जैसे आप रेजिस्टर देखेंगे तो इस तरीके से होते हैं, जिसमें अलग अलग बैंड्स होते हैं। बैंड्स हैं, पहला बैंड है, मान लीजिए फर्स्ट बैंड रेड कलर, सेकेंड बैंड ब्लू कलर, थर्ड बैंड अनदर मोर कलर, रेड कलर या वायलेट कलर। तो ये इस तरीके से इनका एक्चुअल व्यू होता है ना। रजिस्टर को हम दिखाते भी हैं आपको, एक रजिस्टर है अभी हमारे पास, रजिस्टर दिखता कैसे है। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्किट के बारे में। तो बेसिकली रजिस्टर जो है ये बाइलेटरल कंपोनेंट है। बाइलेटरल कंपोनेंट ये देखिए, ये रजिस्टर्स है। तो रजिस्टर्स को होल्ड करने का तरीका होता है, कुछ प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से हम लोग होल्ड करके और इसके वैल्यू को भी पता कर सकते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये पिक्चोरियल व्यू है, पिक्चोरियल व्यू ऑफ रजिस्टर। और सर्किट में हम लोग सिंबॉलिक व्यू का यूज करते हैं। दोनों ही व्यू आपको दिख रहा है, दिस वन इज पिक्चोरियल व्यू, दिस वन इज सिंबॉलिक व्यू। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर्स के लिए। तो फिक्स रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो यही है,
जो नॉर्मल का होता है ये फिक्स का है, और वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल में जो रजिस्टर है उसके आगे हमने एक एरो लगा दिया हुआ है ना, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप रेजिस्टेंस के वैल्यू को वेरी करा सकते हैं। दैट इज, तो ये हो गया आपका फिक्स रजिस्टर और ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर्स। अब एक रजिस्टर जो होता है वो टू टर्मिनल बाइलेटरल कंपोनेंट होता है। बाइलेटरल कंपोनेंट कहने का मतलब ये है कि इसके किसी भी टर्मिनल से आप इसके टर्मिनल को अगर बदल भी देते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होना है, है ना, वैल्यू सेम ही रहता है। अब ओम्स लॉ को देखते हैं, ओम्स लॉ ने किस तरीके से रेजिस्टेंस को बताया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन अ सर्किट जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरी ना करे, उस कंडीशन में किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हम लोग जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I के जगह पे V इज इक्वल्स टू R I लिखते हैं, और यही R जो है वो साइम्बोलिकली हम लोग ओम्स को या रेजिस्टेंस के वैल्यू को भी बताते हैं। तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू होगा V अपॉन I, ये ओम्स का लॉ है। इसको तीन टर्म्स हम देख सकते हैं, या तो कह सकते हैं आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, या कह सकते हैं आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और ये कह सकते हैं वी इक्वल्स टू आर आई। ये तीनों ही टर्म्स ओम्स लॉ के लिए होता है। हमारे सर्किट में जब वोल्टेज करेंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है तो इस तीनों नोटेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टर, इज अ पैसिव कंपोनेंट जो था उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कंपोनेंट्स को देखेंगे जो हमारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स होंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।